अगर चलाना चाहे तो इनको पूरी पता नहीं है, दोनों करते हैं, हमारे सब लोग हैं, डिलीवरी भी करते हैं प्लस शॉप पे भी सेल करते हैं, शॉप पे भी इनकी शॉप है, दोनों है, दोनों है। आज हम श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में जो अजमेर में समस्याएं चल रही है, आज ये दूध डेयरी वाले हैं जो बहुत परेशान होकर हमारे पास आए श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के पास, तो हम इनकी समस्या लेकर आयुक्त महोदय के पास आए हैं। एक तो वैसे ही थैलियां नहीं मिल रही है और दूध अगर इनको बेचना, अजमेर में लगभग 70-80 डेयरियाँ हैं, तो दूध की डेयरियाँ अगर ये दूध बेचेंगे तो इनको थैलियाँ कहाँ से मिलेगी, थैलियाँ नहीं मिल रही, ये बहुत परेशान है, इनका व्यापार मंदा है, वैसे ही इनको कुछ कमीशन मिलता है उसमें कमा के खाते हैं, और उसके बावजूद भी इनको मीटिंग में बुला के बताया गया था कि आपको इस ब्रांड की थैलियाँ लेनी है, वो थैलियाँ इनको मिल नहीं रही है, उनसे अगर ये मांग करते तो कहते हैं हमारे पास माल उपलब्ध नहीं है, और हम आयुक्त महोदय को जो कचरा शुल्क ले रहे हैं उसके विषय में श्री अजमेर व्यापारी महासंघ बताने आया और उनको ज्ञापन देने आया कि जो छोटे व्यापारी जो कचरा शुल्क जो लिया जा रहा है वो बिल्कुल अवैध है, क्योंकि श्री अजमेर व्यापारी महासंघ अगर हमारी इस बात को नहीं माना जाएगा कि कचरे का अगर आप ढेवालों से ले, बड़ी होटलों से ले, बड़े शोरूमों से ले, छोटे व्यापारी जो कचरा शुल्क जो लिया जा रहा है उसके विषय में भी हम आज आयुक्त महोदय से मिलना है और अभी उनसे वार्ता करेंगे, हमें क्या जवाब दिया जाता है, अगर हमारी मांगी गई नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और डेयरी वालों के लिए हम उचित कार्रवाई मांग लेके ही जाएंगे। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारी महासंघ। ऐसा हमारी डेयरी की दुकान है, दूध दही बेचते हम, थैलियाँ मिल नहीं रही है, नगर निगम पर थैलियाँ बंद हो गई तो दूध किस में देंगे, या थैलियाँ उपलब्ध करो, या जब तक थैलियाँ आवे तब तक ये चलाने दो हमारे को, नहीं तो इंस्पेक्टर ही आते बोले हम चालान करेंगे, थैलियाँ जब्त करेंगे, कार्रवाई करेंगे। फिर आप किन से मिले और क्या मांगे आप? और यही मांगे जब तक थैलियाँ आवे थैली चलाने दो हमारे को। ये आपका नाम? मेरा नाम विजय।